बरेली मंडल के पीलीभीत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे ट्रैकमैन का सड़ा गला शव उसके सरकारी आवास में पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, वहीं पुलिस को पता चला है कि मृतक पिछले करीब 16 दिन से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहा था। दरअसल सुनगढ़ी थाना इलाके के अंतर्गत रेलवे कॉलोनी के आवास में रहने वाला प्रेम शंकर स्थानीय जंक्शन पर ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत था। बुधवार को सुबह पुलिस को कॉलोनी के लोगों ने सूचना दी कि प्रेम शंकर के आवास से तीव्र दुर्गंध आ रही है, अंदर से उसका आवास बंद है, वो अकेला ही अपने आवास में रह रहा था। उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके में रह रही है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवास का दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो वहां प्रेम शंकर का सड़ा गला शव पड़ा हुआ था, उससे तीव्र दुर्गंध उठ रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मर जाएगी तो सब जेल में जाएंगे, तू एक्स करिए घर में बैठ कर, तो बाने बाकी सास ससुर ने मतलब हम पे केस वस ना करो, कुछ ना करो, हमें बाली बच्चे देख के हमारे माँ बाप है ना, बाप को मरवाए दो, हीरा ने, कल्लू ने, बाबू ने, निमिया ने है, बलुआ हीना रहे थे वो एक, बाकी दो लौड़ा है, एक लौड़िया है, एक औरत है। क्यों मारा इन लोगों ने, क्या लगता है आपको? हमें हमारे लगते हैं कि इन्होंने जमीन जायदाद की वजह से मरवाया है कि हमें खतरा ना रहा है। मैंने पाल पाल के बड़े कर रहे हैं, मैंने अपने गाय को दूध बेच के अपने भाई पाले हैं जो कम पढ़ा लिखा था, इसलिए मैंने इसे नौकरी दी थी। और मेरे भाई मैंने सब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं पढ़ाई पाई तो मैंने पता कैसे छोटे मोटे स्कूल में अपने भाई इंटर करा दिए। मैंने अपने भाई से अच्छा बताइए, इनके चोट, इनके कहीं शरीर में चोट के निशान भी हैं? चोट के निशान पहले के होंगे छोटे पे। अभी देखा आपने क्या ब्लड वगैरह निकल रहा है? हाँ ब्लड निकल रहा है, मुँह से निकल रहा है ब्लड है। इसकी बीबी को मैंने अलग करा है ना, घर में वहाँ गाना मार कूट करती थी है, इससे मैं कहती तू घर पे रह लला, जो घर पे गौ है ना।